नमस्कार, मैं हूं दिबांग। देश में कोविड 19 के खिलाफ वैक्सीन लगाने का काम अपने दूसरे चरण में है। अब बड़ा सवाल, क्या सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए तेजी और मुस्तैदी से कदम उठाए या उसकी चाल ढीली और सुस्त रही? क्या सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी निभाई या उससे लापरवाही हुई? और कैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म आंखें का एक गाना याद दिलाया, गैरों पे करम अपनों पे सितम। आज वैक्सीन अप्रूवल से लेकर वैक्सीनेशन तक के सफर पर खास रिपोर्ट। सरकार जिस तरह से और जिस रफ्तार से कोरोना वैक्सीन लगवा रही है उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा, क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों को टीका लगाने के बजाय वैक्सीन दूसरे देशों को दान कर रही है और उनको बेच रही है। इस मामले में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अर्जेंसी नहीं है, साफ है। अदालत ने सीरियस कमेंट किया है, इसको समझेंगे आगे। देश में दो वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को सीमित आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिली है। अदालत ने दोनों कंपनियों से प्रोडक्शन कैपेसिटी बताने को कहा है, साथ ही यह भी पूछा है कि क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। अब बात समझने वाली है। कोर्ट का कहना सही है कि भारत ने बड़ी संख्या में वैक्सीन दान में दी है या बेची है। यहां आंकड़ा देखें, भारत में कोविड 19 वैक्सीन की कुल 1,94,97,704 डोज अब तक लगी है, जबकि भारत ने कुल 48 देशों को 71,50,000 डोज दान में दी है। कुल 3,90,00,000 वैक्सीन बेची गई हैं। बाहर भेजा गया कुल आंकड़ा है 4,61,66,000। दान में दी गई या बेची गई वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हैदराबाद की भारत बायोटेक का कहना है कि उनके पास वैक्सीन का अच्छा खासा स्टॉक है और वो भारत सरकार की मांग को पूरा कर सकेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास अब भी 4,00,00,000 वैक्सीन की डोज हैं और इस महीने से वहां हर महीने 6,00,00,000 डोज तैयार होंगी। हालत यह है कि दुनिया के रिच और पावरफुल देश वैक्सीन के लिए परेशान हैं, उनको वैक्सीन मिल ही नहीं रही है, जबकि भारत में वैक्सीन ही वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन लगवाने का काम ढीली रफ्तार से चल रहा है। दरअसल अप्रूवल देते हुए गड़बड़ी हुई। भारत बायोटेक को क्रूशल थर्ड और अंतिम फेज के ट्रायल खत्म होने से पहले ही अप्रूवल दे दिया गया। आत्मनिर्भर भारत का झंडा लहराने के लिए जल्दबाजी की गई, उससे वैक्सीन की क्रेडिबिलिटी गिरी, तभी वैक्सीन लगवाने में उदासीनता दिखाई दी। सवाल सरकार की तैयारियों पर भी खड़े होते हैं। सरकार को बहुत पहले से मालूम था कि वैक्सीन को अप्रूवल मिलने वाला है, लेकिन वैक्सीन लगाने की उसकी तैयारियां बहुत देर से शुरू हुई। फिर उसके ड्राई रन में लगातार गड़बड़ियां सामने आती रहीं। दुनिया के देशों ने वैक्सीन अप्रूवल से पहले ही वैक्सीन की एडवांस बुकिंग की, लेकिन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन अप्रूवल के 5 दिन बाद ही ऑर्डर मिला। सरकार की ढीली और सुस्त चाल की वजह से 3 जनवरी को वैक्सीन को अप्रूवल के 13 दिन बाद 16 जनवरी को वैक्सीन की पहली डोज लग पाई। वहीं अमेरिका में अप्रूवल के 3 दिन बाद और ब्रिटेन में अप्रूवल के 4 दिन बाद वैक्सीन की पहली डोज लगी। ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल मिला, उसका लाना ले जाना और रख रखाव मुश्किल होता है। वैक्सीन को -70 डिग्री के अल्ट्रा कोल्ड फ्रीजर में ही रखा जाता है। जिस रफ्तार से पहले महीने में वैक्सीन लगी, उसी रफ्तार से देश की पूरी आबादी को वैक्सीनेट किया जाए तो 10 साल लगेंगे। एक बात तो साफ है कि इस महामारी को साइंस और टेक्नोलॉजी ने पहले के मुकाबले काफी तेजी से कंट्रोल किया, लेकिन दुनिया भर में नेताओं का रिकॉर्ड खराब रहा। इस बारे में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें, मैं आपकी राय पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं, जवाब भी देखिएगा। आप चाहें तो मुझे ट्वीट कर सकते हैं, मेरा हैंडल है @dibang DIBANG। ट्विटर पर आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।